भारतीय जनता पार्टी जनता की भलाई के लिए काम करती है, सुशासन और विकास के लिए काम करती है, सबके साथ और सबके विकास के लिए काम करती है। ये व्यापार नहीं कर, हम व्यापार नहीं कोई करते कि नफा और नुकसान को लेकर के बात करें। ये जो व्यापार करते थे उनके कुनबे को किस तरह से लोग एक एक करके बाहर हो रहे हैं, उनकी तानाशाही रवैया कहिए, और जो अब तक वो दलितों के नाम पर वोटों का व्यापार हो रहा था बसपा में, वो उसकी कलई लोगों के सामने खुल गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पब्लिकली ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न को लेकर के जब नसीमुद्दीन जी की उपस्थिति में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती से कहा कि भाई हम दलितों, आपकी अनुमति हो तो हम दलितों के की साथ खड़े हों, उनकी उत्पीड़न में उनकी मदद करें, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं, दलित जितना पिटेगा उतने हाथी का वोट मजबूत होगा। तो ये जो कथनी करनी में अंतर है कि इतने लंबे समय से जो दलित लोगों की भावना का शोषण करके सत्ता में बसपा आई और उसका जो कार्यशैली है और उनकी जो रीत नीति है उसमें कितना बड़ा फर्क है, जो करोड़ों रुपया टिकटों के लिए लिए जा रहे हैं, सौदे हो रहे हैं, जिनके लिए लिए जा रहे हैं उनके लिए कोई सोचना नहीं है। तो ये व्यापार भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, व्यापार जो कर रहे थे उनकी कलई खुल गई और उत्तर प्रदेश की जनता को और जो भी उत्तर प्रदेश के हक में, उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास के हक में सोचते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के में विकल्प के तौर पर 2017 में देख रहे हैं। और राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, सबके साथ सबके विकास को मजबूत करने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सुशासन के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं।